वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अनमोल विचार चैनल विच तुहाडा स्वागत है। अपनी अज दी वीडियो उन्हां दे लई आ जो भी मेरे वीर ते भैणा कहिंदे आ ना कि साडे तो अमृत वेले नहीं उठिया जांदा। असीं बहुत यतन करदे आ, बड़ियां कोशिशां करदे आ पर अमृत वेले नहीं उठिया जांदा। तां उन्हां ने अज तो ही रोजाना रात नूं इह शब्द 21 वार बोल के सौणा है, चाहे बिस्तर दे उत्ते लम्मे पए पए बोल लैणा। तो देखना तुसी खुद चमचकार देखोगे, गुरु नानक पातशाह आप आवाज मार के उठाउणगे। देखो जी, गुरु नानक पातशाह जी साडी हर एक इच्छा अरदास पूरी करदे ने। जो भी चीज, जो भी दात आपां सच्चे मन दे नाल अपने वाहिगुरु जी तो मंगदे आ ना, ओह जरूर पूरी हुंदी आ। बस गल हुंदी आ कि मंगण वाले दी भावना सच्ची होनी चाहीदी आ, नीयत साफ होनी चाहीदी आ अते इच्छा शुभ होनी चाहीदी आ। शुभ तो भावे कि कदे भी किसी दा माड़ा नहीं मंगना, अपना भला मंग सकदे आ, ओहदे विच कोई मनाही नहीं आ। अपने भले दी अरदास करो, वाहिगुरु अकाल पुरख जी जरूर सुणदे आ। पर जेकर आपां किसी दे माड़े दी अरदास करांगे, किसी दे नुकसान दी अरदास करांगे तां ओह अरदास साडी कदे पूरी नहीं होवेगी। पर हाँ, आपां इस अपने माड़े कर्म नूं करके अपने गुरु नानक पातशाह जी दे चरणां तों दूर जरूर हो जावांगे। तां भुल के वी कदी किसी दे माड़े दी अरदास नहीं करनी, चाहे साडे नाल कोई लख माड़ा कर लवे तां वी इहो ही कहणा आ कि वाहिगुरु जी इस दा वी भला करना, भले दी अरदास करनी आ। तां हुण गल करदे आ जो शब्द आपां रात वेले बोल के सौणा है, ओह आपां अखां बंद करके गुरु नानक पातशाह जी दे चरणां दे विच इक तरला करना है, अरदास करनी आ, बेनती करनी आ कि पातशाह कृपा करो, मैनू अमृत वेले दी दात बख्शो। जिन्ने बजे भी उठना चाहुंदे आ, 3 बजे 4 बजे, बस ओह समां कह के गुरु नानक पातशाह जी नूं वार वार 21 वार ये गल कहनी आ कि पातशाह कृपा करना, मैनू 8 बजे उठा देना। तां देखना सवेरे जो मर्जी बहाना बने, गुरु नानक पातशाह जी आप तुहानूं उठाउणगे। कोई आलस नींद विच नहीं आवेगी, तुसीं बड़ा सोहणा अमृत वेले उठ भी पाओगे, गुरु नानक पातशाह जी दा नाम भी जपोगे।